अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो इसके साथ जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, ताकि हम आप तक पहुंचते रहें। चलो अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहते हैं आबाद रहे। सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बजने वाले हैं। तो अभी आटा मैंने गूंद लिया और रात के बर्तन भी जो थे वो भी वाश कर दिए हैं और अभी बनाने लगी हूँ मैं पराठा। जैसे सुबह सुबह हमें बहुत भूख लग जाती है, तो जल्दी उठ जाते हैं ना, इसलिए 5 बजे तो इनके पेट में गड़बड़ गड़बड़ होने लग जाती है। कहते तो ये है, पता नहीं होती भी है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता भाई। इनको तो भूख लगती नहीं है, सीधी बात है। इन्होंने उठना होता था ना 9-10 दिन के बाद जाते आराम से, सीधी बात है जो। और मुझे सुबह 4-4:30-5 बजे उठना होता है, क्योंकि चारा वगैरह भैंस को डालना होता है, कोई आगे पीछे थोड़े जानवरों को देखना होता है, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे भूख जल्दी लग जाती है। तो ये अभी अगर उठेंगे 8-9 बजे तो फिर इनको भूख कहाँ 10-11 बजे लगेगी ना, बस यही बात है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, वैसा हमारी हेल्प करा रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। मेहनती बच्चा है हमारा, जिसको चाहिए आप हमें बता सकते हैं। वैसा फॉर सेल, यस, समझ निकल जाना, निकल जा। चल वापस ना आवी, आ गया फिर है तेन कैसे, निकल जा करो काम, काम मैं कराना गल्ला में लौर गा तड़ी हाल हाल पै जा, आ जा पेपर छड़ के आ जा। ओ पुतन मेरी तबीयत खराब हो गई थी भाई उन दिनों में, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने वैसा बोला कि आप जल्दी जल्दी पेपर क्लियर करें और वापस आ जा। तुसी ताख दो पेपर है, कोनी पास ना हो या तो कोनी आ जा। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इसकी बात मानना जाएगा। वैसा को मिस कर रहे थे ना, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी आ जा, वो उनको लग रहा है कि काम की वजह से बुलाया। बस ठीक है पुत्र, रोटी कितनी रह गई तेरी, जल्दी ले आ यार, जल्दी ले आ, भूख ना तू तेरे बस पिया जो उदा मैं एक नहीं रह गया, भूखा मर गया यकीन मान। अच्छा खासा मोटा ताजा मैं होता, पर्सनैलिटी एबल बंदा होता, तेरे पल्ले पै के मैं रोड़े छोड़ गया। अपनी पर्सनैलिटी आप खराब, आप फिर कीती है, भूख ना मारी रखनी आ टाइम। माशाल्लाह जी नाश्ता मार रेडी हो गया, कल जो अंडे हम लेकर आए थे ना अपनी मुर्गियों के, वो जनाब उसमें से एक अंडा बनाया, दही है, अवैध साहब है और साथ में चीनी भी है, और चीनी पर मक्खी बैठी है। हाँ जी वैसा कैसा है? नाश्ता हमने कर लिया है, नाश्ता करने के बाद मैंने कमरे की सारी जो ना सफाई वगैरह कर दी है, सेटिंग कर दी है, बिस्तर वगैरह उठा दिए, सब कुछ सेट कर दिया है। और अवैस और अर्शिफ जो है वो चारा काटने चले गए, मैंने उनसे कहा भी धूप से पहले आप जो है ना चारा बना लें, क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है, 2-3 दिन बारिशें रही हैं तो उनकी वजह से मौसम ठंडा रहा है, लेकिन अब एक कड़क धूप निकलेगी जो आपके लिए ठीक नहीं है, दोनों के लिए। तो आप लोग जाएं चारा बना कर ले आएँ। तो अभी उनके पीछे चलते हैं और देखते हैं, काफ़ी देर से गया हुए हैं कि वो इतनी देर से वहाँ पर क्या कर रहे हैं। चारा वगैरह माशाल्लाह काट लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, तेरा पीछे गई थी लेकिन वहाँ पर आदमी वगैरह काफी खड़े थे, मैंने कहा चलो यहाँ पर वीडियो नहीं बनाते, तो फिर हम वापस आ गए। तो अभी सब कुछ हो गया है माशाल्लाह, तो अभी दोपहर का खाना देखते हैं क्या करना है। माशाल्लाह जी दोपहर के खाने में हम जनाब आलू और अंडा बना रहे हैं स्पेशल वाला, क्योंकि आलू अंडा जो है ना वैसे तो बनाते रहे, लेकिन ये अंडा जो है ना उबाल कर फिर आलू को उबाल कर उस तरह पहली बार शायद बना रहे हैं हम यहाँ पर। हाँ जी, आलू जो है वो बॉयल कर लिए हैं, अंडे भी बॉयल कर लिए हैं, छील भी लिए हैं, अभी इनको काटना है। साथ ही मैंने प्याज और अदरक लहसुन डाल दिए इधर ब्राउन होने के लिए, और रोटियां जो है वो मैं उधर से गांव से अम्मी के घर से बना कर ले आई थी, मैं रवैस गया थे तो वहाँ से वापस आ गए तकरीबन। अभी 1 बज रहा है तो दोपहर के खाने में ये सब हम बना रहे हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया दोपहर का और मैं थोड़ी देर सो भी गई थी, तो अभी उठी हूँ। तो ये जो सरसों हमारी पड़ी हुई है इतने दिनों से, आज हम सोच रहे हैं कि इसको निकाल लें,
क्योंकि ये सारी खराब हो रही है, जाया हो रही है। तो ठीक है अम्मी आई है तो पिंडो अम्मी क्या आ रही थाने में सर काट के देवा गई अम्मी का एक को अम्मी लगी है तो सोच रहे हैं तू दो दिन आ नहीं भाग चल चल बे आ जा डंडा फाड़ ला आओ तो परम बे गिलियां तो नहीं है अभी माशाल्लाह जी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतना ढेर लगा हुआ था, सब ने मिलजुल कर मतलब कंप्लीट कर दिया। वो बात दरअसल ये हुई कि मुझे इमरजेंसी कहीं जाना पड़ गया, तो इसलिए फिर मैंने इनको बोला था कि आप बस कर दे कल कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बस नहीं की। उन्होंने कहा नहीं आज हमने करके छोड़ना। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। जो यहाँ पे पड़े थे उन मम्मी ने कहा कि ये सब खत्म करके फिर बस करनी है। नहीं जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। मैं सारे ही तेरे नम्मा जी। माशाल्लाह काफी बीज निकला है। इसके अलावा अभी ऊपर जो है ना, अभी इतना तकरीबन इतना ऊपर पड़ा हुआ है, वो इंशाल्लाह कल जो है ना वो क्लियर करेंगे। शाम की अजानें आ रही हैं और आप देखें सीन कैसा है शाम का। माशाल्लाह अभी फलूदा में लेकर आया था, मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा हो जाए। हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। अभी भैंस को पानी पिलाने वाला है जनाब, शाम हो चुकी है और इसको चारा वगैरह भी डाला। कम से कम चारा तो पाया जाता है, दस नाल आदमी होता एक बार ही पाने चारा। मोड़ अपने आप समझ गया करो यार, किन्नी बार तुम समझाना अगर तक हूं तुम अगर तक की बंदा साल हो गया करते पे काम इंदे या होवे पहली बार तू करदा तेन पता ही कौन भाई माँ पानी पवाना है या उन्होंने चारा होर पाना या नहीं करना की करना की नहीं करना। मैं ना आवा तो सीधा माँ भुख ना मार दे तो आख बस रोती है कोई मसला ही कोई नहीं। ये मेरी मेडिसिन है जो मैं खा रही हूँ आजकल, जो डॉक्टर ने लिख कर दी है तो मैं ले रही हूँ। गर्म है काफ़ी लेकिन फिर ये है कि साथ में दूध वगैरह पी लेते हैं कुछ बेहतर रहता है। अभी ख़त्म हो गई तो ये भी मंगवाई है और ये एक साथ में कैप्सूल होता है, ये भी हफ्ते में एक लेनी होती है। ये सिरप है, ये भी रोज सुबह शाम पीना होता है, तो इसके साथ काफ़ी फर्क है। ਨੰਬਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਪਦੀ ਮੇ ਕੋ ਲੈ ਲੈਣੇ ਬਾ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈ ਸਾਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ 60 ਚਾਹੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਰੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੇ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਲੀਪ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਨਾ ਭਾਈ ਛੋੜ ਕਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਲੀਪ ਕੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਗਾਉਂ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਕੋ ਅਭੀ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੋ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਲੀਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੋ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਵੋ ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇ। ਡਨ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਨੂੰ ਬਰਤਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਵੇਖ ਰਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੱਸੀ ਲੁਸੀ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਢਾਗ ਜੂ ਬਸ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੱਟਾ ਲਗਾਣੇ ਕੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੱਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਭੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੀ ਇਤਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मतलब जो औरतें होती ना ये दूध जमाने वाले लस्सी मतलब इनको मैंने 100 बार बताया कि जो लस्सी होती है लस्सी बनाती है ना उसमें से थोड़ी सी लस्सी आप साइड पर रख लिया करें, पहले सुबह ही रख लिया करें जैसे घी निकलती है, बाकी लस्सी खत्म हो डुल जाए जिधर भी जाए मतलब फिर परेशानी नहीं होती। अब रात के 8 बज रहे हैं और हमारे पास लस्सी नहीं है और खट्टा लगाना है हमने दूध को, 3-3.5 kg दूध है। अब वैसे सुबह तक रहेगा भाई ख़राब हो जाएगा, तो वो ख़राब जो होगा ना वो मतलब अजीब तरीके से ख़राब होगा, वो मतलब कि ना दही वाला खराब रहता ना पीने वाला ना खाने वाला। हाँ जी दसो लस्सी निकल आवे कि नहीं लस्सी
ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੇ ਹੁਣ ਘੀ ਆ ਲੱਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਤਾ ਮੈਨੇ ਸੁਬਹ ਦਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਥੀ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਗ ਲਗਾ ਲੇਂਗੇ ਤੋ ਵੋ ਬਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਚਾਟੀ ਮੈਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ ਮਾਂਜ ਦੀ ਥੀ ਤੋ ਉਹ ਨਾ ਸਮੈਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਲੱਸੀ ਪੜੀ ਰਹਿ ਤੋ ਵੋ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਮਾਂਜ ਦੀਆ ਔਰ ਦਹੀਂ ਜੋ ਰੱਖੀ ਤੋ ਉਸਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਰਾਇਤਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸਭ ਨੇ ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਜਾਗ ਲਗਾਤੀ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਫਿਰ ਮੁਝੇ ਇਤਨੀ ਬਾਤੇ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਮਿਲੀ ਇਤਨੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਸਕੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਸਕੋ ਯਾਦ ਰਹਿਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਕੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘੀ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਵੋ ਲੱਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਉਸਕੋ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਤੋ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਰਤਨ ਆਜ ਦੇਖੇ ਕਹਾਂ ਪਰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਕ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ अब ये दिन को चाय बनाई थी लेकिन मुझे इमरजेंसी निकलना पड़ा जिसकी वजह से ये चाय जो है ना किसी ने नहीं पी अभी ये हम अपने मोती को डालते हैं मोती हमारा यहाँ पर बैठा है इसका बर्तन नज़र नहीं आ रहा मोती हमारा जो है ना वो जनाब आजकल बहुत पेट पूजा कर रहा हाँ मोतियाँ वाले आजकल चावा पी रहे तू उसके कान खराब हो गया सुबह तक ठीक हो जाएगा लो जी पतीली करो वॉश ये जो मुर्गा हमारा बीमार है ना इसको हमने इस साइड पर रख दिए क्योंकि उधर दूसरे मुर्गों को ये खराब ना करे इसलिए ये अब इसी बरामदे में रहेगा जब तक ये ठीक नहीं होता अभी हमारे जानवर जो है ना माशाल्लाह पेट पूरा कर कुर के सब कुछ भैंस भी इधर माशाल्लाह बैठी है कट्टी बैठी हुई है छोटे मुन्ने भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं क्या बात है और बकरियाँ जो है ना वो भी बैठी हुई हैं मुझे देखकर उठ गई चलो कोई नहीं वापस चलते हैं अभी इनको परेशान नहीं करते सर्दी थी ना सर्दी में ये मतलब कि ना काफ़ी थोड़े से परेशान रहे और वीक भी थे लेकिन अब जैसे गर्मी आई ना चारा भी अच्छे तरीके से खाते हैं और वीकनेस वगैरह वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई इनकी बाकी थोड़ा गर्म करेगा इंशाल्लाह अभी ये आज जो सब कुछ हमने कचरा मचरा डाला है ना इसको कल इंशाल्लाह बाहर फेंकेंगे अभी शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी रात हो गई थी लेट हो गई बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से ये इधर ही अभी तक पड़ा हुआ है लेकिन कल इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम सबसे पहले ये काम उसके बाद फिर चारा वगैरह जो भी करना वो बाद में करेंगे और आज जो है ना तकरीबन इतनी सरसों जो है ना वो निकल आई है और इतनी और हमें हमारी पड़ी हुई है तकरीबन ये चांस तो बहुत हैं तकरीबन 20-25 केजी जो है ना इतना तकरीबन हिसाब का बहाना लग जाएगा अगर इतना लग गया तो आराम सुकून से जनाब 7-8 किलो जो है ना हमारा तेल जो है ना वो निकल आएगा उसमें से हम कुछ भैंस के लिए रख देंगे कुछ बकरे के लिए रख देंगे और बाकी जो होगा ना वो फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं लेकिन भैंस के लिए कम से कम 2 से 2.5 केजी जो है ना वो भैंस के लिए हमें रखना है बाकी अल्लाह ताला करम करेगा हाँ तारा बरकत हम शाम को कुछ खिला रहे हैं कि नहीं सब दिन को हमने ना आलू और अंडा बनाया था जो आप लोगों को पता ही है वो सालन पड़ा है अभी शाम में भी वही इस्तेमाल होगा टेक जा पर चम्मच चम्मच बना फिर रोटी एक मेरी भी भूख लगी अच्छी खासी मेनू में काले तरह जो पेट नहीं भरा बस कर ढिड्डा वाला चलो जी फिलहाल इशा की अजानें हो रही हैं कुछ आ गई हैं कुछ 2-3 सुन लिए हैं अभी अजानें और भी हो रही हैं तो इस व्लॉग का हम यहीं पर एंड करने लगे क्योंकि वीडियो आज काफ़ी लेट हो गया ना तो व्लॉग भी थोड़ा सा लंबा हो गया था जिसकी वजह लंबा नहीं मतलब लेट हो गया ना तो व्लॉग बनाते बनाते काफ़ी देर हो गई कहने का मतलब ये है तो अभी इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे किसी और सोनी सी प्यारे सी वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगहबान अपना ख्याल रखें अपने दोस्तों का ख्याल रखें और हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा बाकी अल्लाह ताला काम करेगा ये वैसा हमने रेडी इस्तेमाल किए दिन को और यहीं पर रख दिए हालाँकि इसकी जगह उधर हवेली में होती है लेकिन अब वैसा हमने यहीं पर रखी हुई करते हैं इस बच्चे का कुछ करते हैं बहुत तंग कर रहा है आजकल